फाटेगा। अब देखेंगे कि हम इस विजुअल कोड में यूजर किस तरह से ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है। उसके हम अंदर हमने गिट एनवायरनमेंट जो कि पाथ डिफाइन किया था वो भी कॉन्फिगर किया था, और एक प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट हमने क्लोन किया था। अब हम देखेंगे कि यूज़र किस तरह से ऐड करना है, विजुअल कोड में पूरी तरह से प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं, अलग अलग कंपनियों में जो भी कुछ आईटी इंडस्ट्री में काम होता है ये विजुअल कोड में ही होता है। तो कई लोगों को पता नहीं है कि विजुअल कोड में किस तरह से काम करना है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अगर कोई ज्वाइनिंग करता है आपका इंटरव्यू तो अच्छा होगा, हो गया, सब कुछ हो गया ज्वाइनिंग होने के बाद। आपको कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने एक या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपको डिटेल्स दे दिए कि ये जो भी कुछ लिंक है इस लिंक से आप कोड क्लोन करना और विजुअल कोड में उसको कोडिंग करना है, और आपको इंडेक्स पेज में डिफाइन करना है कुछ प्रोसेस या कुछ कोड डिफाइन करना है, तो वो किस तरह से करते हैं हम देखेंगे आज के लेक्चर में। अब मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है, यहाँ पे न्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल अगर बनानी है तो न्यू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ कमांड रन हो रही है क्या देखता हूँ मैं। गिट वर्जन करता हूँ, कौन सा वर्जन मैं वर्क कर रहा हूँ, 2.28.0। अब मुझे क्या करना है, मैं हूँ रोहित, हमने बोला था कि रोहित काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट के या फिर इस सिस्टम के ऊपर, तो अब रोहित को उसका नाम या फिर ईमेल आईडीज रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये यूज़र किस तरह से रजिस्टर करते हैं। गिट कॉन्फिग करता हूँ मैं, यहाँ पे डबल माइनस, यहाँ पे ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल यूजर डॉट नेम। अब यूजर का नेम है रोहित, ठीक है। ये करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे वो रोहित यूजर ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ रोहित की ईमेल आईडीज ऐड, रोहित कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। यूजर डॉट ईमेल करने के बाद रोहित की ईमेल आईडी डालता हूँ, रोहित डॉट एक्स वाई जेड, उसका जो भी कुछ सरनेम है या फिर ईमेल आईडी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वो रोहित यूजर जो है वो यूजर इस सिस्टम पे काम कर रहा है वो हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो आप। यहाँ पे मैं test.com डालता हूँ या फिर git.com डालता हूँ, कोई भी डोमेन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जीमेल है वो भी ले सकते हो, gmail.com, rohit.xyz@gmail.com डाल दिया। यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब ये यूज़र ऐड हो गया है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये हमने सक्सेसफुली यूज़र ऐड किया है, तो इसके लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी git config list। तो यहाँ पे रोहित यूजर नेम ऐड हो गया है xyz@gmail.com, ठीक है। ये यूजर डिफाइन मैंने किया है। यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करता हूँ, मैं बैक आ गया इस लोकेशन पे, पीडब्ल्यूडी करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, डेस्कटॉप डेमो फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा रोहित, अगर आपका रोहित कंपनी का जो भी कुछ ज्वाइनिंग किया हुआ रोहित अगर चला गया, उसको कंपनी पसंद नहीं आई, वो 2 दिन काम किया और चला गया, अब क्या करोगे। अब आ गया वहां पे किशोर, रोहित के जगह पे आ गया किशोर या फिर रोहन आ गया, ठीक है। अब रोहन क्या करेगा, कोड लिखेगा, कोड लिखेगा, तो रोहित के नाम से वो सब कुछ आ रहा है, यूज़र रोहित ऐड किया है, तो वो रोहित को किस तरह से हटाना होगा, हमें रिप्लेस किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे तो यूज़र आ रहा है रोहित,
अब ये रोहित का नाम हटा के हम किस तरह से इसको ऐड करेंगे, तो ज़रा देख लेते हैं वो भी किस तरह से ऐड करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ये, ठीक है। तो अब ज़रा देखता हूँ मैं, यहाँ पे गिट ग्लोबल वही कमांड ले लेते हैं हम, गिट कॉन्फिग ग्लोबल, गिट कॉन्फिग ग्लोबल करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना है मुझे, रिप्लेस ऑल करना है यूजर डॉट नेम, ठीक है। इस यूजर का नाम रिप्लेस करना है। अब मैं डाल देता हूँ किशोर, किशोर ने ज्वाइनिंग किया है, तो मैंने एंटर किया, ठीक है। किशोर का तो नाम आ गया है, अब उसकी ईमेल आईडी भी तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे यूजर की जगह पे मैं क्या करूँगा, ईमेल करूँगा, और यहाँ पे किशोर की ईमेल आईडीज भी डाल देता हूँ, किशोर एट द रेट xyz.com। कुछ भी डाल सकते हो आप, आपका कंपनी का डोमेन भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको ईमेल आईडीज प्रोवाइड की है, वो ईमेल आईडीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब मैं एंटर करता हूँ, अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये रिप्लेस हुआ है। ये देख लो यहाँ पे यूजर डॉट नेम किशोर, और ये रोहित के जगह पे यहाँ पे ईमेल क्या आ गया है, यहाँ पे न्यू कॉलम में आ गया ईमेल डॉट नेम, ठीक है। हमने क्या किया था, ईमेल डॉट नेम किया था, इसलिए ये आ गया है। ये रिप्लेस इसलिए नहीं हुआ है, ये यूजर ईमेल है, तो यूजर ईमेल हम करना चाहिए था, हमने कुछ अलग ही किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल के जगह पे क्या करूँगा, यहाँ पे यूजर ईमेल कर देता हूँ, यूजर नेम के जगह पे यूजर यहाँ पे ईमेल करते हैं। जैसे ही मैं ये कमांड रन करता हूँ, अब देखेंगे कि ये यूजर ईमेल चला गया। हाँ चला गया, यहाँ पे यूजर ईमेल आ गया है। अब क्या हो गया, अब तो ये गलती से मेरे पास आ गया ना। अब इसको डिलीट किस तरह से करेंगे, तो देखते हैं कि इसको डिलीट भी किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने क्यू प्रेस किया और वही कमांड ले लेता हूँ मैं, गिट कॉन्फिग ग्लोबल। यहाँ पे जैसे हमने रिप्लेस किया था, यहाँ पे अनसेट करना है मुझे, ठीक है। अनसेट क्या करना है, ईमेल करना है, ईमेल डॉट हमने जो भी कुछ यहाँ पे टाइप किया था ईमेल डॉट नेम। जैसे ही मैं ये करूँगा ईमेल डॉट नेम, जैसे ही मैं ये टाइप करूँगा, यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब ज़रा देखते हैं वेरीफाई करके कि वो डिलीट हो गया है। हाँ वो डिलीट हो गया, यहाँ पे यूज़र नेम है किशोर और यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही। ये इसके नीचे जो हमने गलती की थी वो हमारी डिलीट हो गई है। अभी आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि यूज़र किस तरह से ऐड करना है, अगर यूज़र छोड़ के जाता है तो उसको रिप्लेस किस तरह से करना है, अगर हमने गलती से कुछ ईमेल आईडीज या फिर कुछ यूज़र नेम डाल दिया तो उसको डिलीट भी किस तरह से करना है, ये सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो कि हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। रियल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमने तो प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया था, अब मैं ज़रा प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन फोल्डर किया, ओपन फोल्डर करने के बाद ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट है, मैंने तो लास्ट टाइम क्लोन किया था, क्लोन करके मैंने डेमो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया। डेमो प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के बाद ये जो गिट मैंने था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ज़रा, क्योंकि आपको पहले से मैं बता सकूँ, ये मैंने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, यहाँ पे ls करता हूँ, कुछ एरर आ रही है, तो मैं ज़रा फिर से देखता हूँ यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट में कुछ एरर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये लाइसेंस का भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया था जस्ट डेमो पर्पज़। तो फिर से विजुअल कोड ओपन करता हूँ, विजुअल कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे डेमो में हूँ मैं, अभी कहाँ पे हूँ, PWD अगर मैं कर रहा हूँ तो ये करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे शो करेगा। तो अब मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल आ रही है, तो ऑलरेडी ये मेरे प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अगर फिर से आपको ऐड करना है
तो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और अगर मैं समझ लो कि मुझे ये प्रोजेक्ट ऐड करना है, माय प्रोजेक्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ, लो ये मेरा प्रोजेक्ट ऑन हो गया, अभी ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं टर्मिनल पे आ रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे माय प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, मुझे डेमो प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं सेलेक्ट ये फोल्डर पे काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि गिट स्टेटस करके देखता हूँ इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या हो रहा है। गिट स्टेटस किया है तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है, फैटल एरर आ रहा है कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अभी ये बोल रहा है कि ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो ये डेमो प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ये तो फोल्डर है, जस्ट मैंने क्लोन किया है, डाउनलोड किया है, या फिर इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम कर रहा था, इंडेक्स पेज ये वो सब कुछ मैंने कॉन्फिगर किया है और इसको रिपोजिटरी नहीं बनाया। गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे गिट इनिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं गिट इनिट कमांड रन करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बन के आएगा, एंटर किया मैंने, यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा गिट इनिट, और यहाँ पे भी इनिशियलाइज हो गया है ये प्रोजेक्ट। अब ये यहाँ पे यू आ रहा है, ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल्स हैं, जो भी कुछ ये फाइल्स दिख रही हैं आपको, ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यू इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अनडिफाइंड फाइल है बोल रहा है ये, इसको हमने अभी तक गिट के अंदर डिफाइन नहीं किया है, अभी यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी बनाया है, तो ये अनडिफाइंड फाइल है, तो ये सच में अनडिफाइंड फाइल है, इसलिए हम मैं चेक करूँगा गिट स्टेटस। यहाँ पे बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, यानी कि अनडिफाइंड फाइल, मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है गिट के अंदर। तो डिफाइन करने के लिए मेरे पास कमांड है गिट ऐड डॉट करता हूँ। अब क्या होंगे, ये फाइल स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। जैसे मैं ये कमांड रन करता हूँ, ये कुछ प्रोसेस हो गई है और ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई है, और यहाँ पे यू था तो अभी यहाँ पे बन गया है ये। ये का मतलब है कि ऐड किया है हमने, कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद मैं फिर से गिट स्टेटस करता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर में फाइल शो कर रही है, ये सच में स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है फाइल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कमिट करना है। अब ये अगर मुझे फाइल, अभी देखो यहाँ पे इंडेक्स फाइल है, ये स्टेजिंग एरिया में फाइल्स हैं सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, कमिट करना है और लोकल रिपोजिटरी में मुझे इसको सेव करना है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट ओपन और इंडेक्स पेज में जाता हूँ मैं, ज़रा इसको जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। इंडेक्स पेज में जाने के बाद अब मैं ये प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। यहाँ पे क्रोम पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। इस पेज के अंदर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे गैलरीज फुल, यहाँ पे सब कुछ आ रहे हैं, सब आइटम्स यहाँ पे लिस्ट आ रही है पेज की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ अबाउट वाला ऑप्शन, ठीक है, और एक लिस्ट में ऐड कर देंगे हम अबाउट ऑप्शन। तो वो किस तरह से करना है देखेंगे, आपको ये कोडिंग आती है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो किस तरह से वर्क करते हैं प्रोजेक्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट आइकॉन करता हूँ, फॉन्ट आइकॉन ही था ना इसमें लास्ट ऑप्शन, फॉन्ट आइकॉन, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, यही लिंक ये मैंने कॉपी किया और सेम चीज़ मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अबाउट लिखता हूँ, ठीक है। अबाउट मैंने किया और यहाँ पे सेव करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद अब ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। ये मैंने सेव किया, आउटपुट में अभी कुछ नहीं आ रहा है, आपको बताऊंगा किस तरह से आता है। तो गिट स्टेटस करके देखता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो सब कुछ स्टेजिंग एरिया में है लेकिन आपने कुछ एक फाइल पे चेंजेस किए हैं। तो मुझे तो पता नहीं था लेकिन किसने चेंजेस किए, हाँ हाँ वो गिट को पता चलेगा। आप अगर झूठ भी बोल रहे हो, सर सर मैंने नहीं चेंजेस किए हैं, हाँ रुको, आपने अगर कमांड डाल दी तो आपको पता चलेगा, गिट स्टेटस करता हूँ, यहाँ पे पता चल रहा है कि आपने इस फाइल में चेंजेस किया है। अब ये फाइल क्या हो गई, स्टेजिंग एरिया में, ठीक है, यानी कि ये फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में डालना है, ये वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, सॉरी
अब ये स्टेजिंग एरिया में फाइल है, ये वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है। अब इसे स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए मैं कमांड डालता हूँ गिट एड, और इस फाइल का नाम डालूंगा या फिर डॉट डाल सकता हूँ या फिर डबल माइनस ये भी कर सकता हूँ, ऑल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब बताएंगे, हमने डॉट का तो यूज़ किया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करता हूँ, एच टी एम एल। जैसे ही मैंने एंटर किया ये स्टेजिंग एरिया में जा चुकी फाइल, ठीक है, ये स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है फाइल, यहाँ पे ये आ रहा है, ये स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, ये सच में स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। हाँ, यहाँ पे मुझे कोई रेड कलर में नहीं आ रहा है, ये स्टेजिंग एरिया में अभी जा चुकी है। अब ये सब कुछ मुझे क्या करना है, लोकल रिपोजिटरी में डाल देना है। लोकल रिपोजिटरी में डालने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो भी कुछ सोर्स कोड है, यहाँ पे मैंने राइट किया था, ये गिट का ये लोकल रिपोजिटरी है, और यहाँ से मैं मैसेज भी लिख सकता हूँ, दिस इज अ मॉडिफाइड कोड। और मैंने ये ऐड कर दिया, कमिट कर दिया मैंने, ठीक है, ये कमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से देखेंगे कि ये गेट स्टेटस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा है नथिंग टू कमिट। अभी आपके पास कमिट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, आपने ये कमिट कर दिया है। अब मैं गिट लॉग करूँगा, ठीक है, गिट लॉग कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है मुझे कि किशोर ने एक फाइल मास्टर ब्रांच के अंदर कमिट की है, और ये उसकी कमिट आईडी है, ठीक है। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि इसने दिस इज कोड मॉडिफाई करके यहाँ पे मैसेज तो डाल दिया है, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और ज़रा देखता हूँ कि इसने क्या कोड लिखा है। तो इसलिए मुझे कमांड है गिट शो, और मैं यहाँ से शिफ्ट इंसर्ट करता हूँ, और वो आईडी यहाँ पे कॉपी की हुई यहाँ पे पेस्ट हो गई। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि इसने क्या चेंजेस किए थे। यहाँ पे न्यू फाइल्स में मॉडिफाई किया है इसने इंडेक्स फाइल के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं क्यों नहीं नज़र आ रहा है। गिट शो लॉक करता हूँ फिर से मैं, गिट लॉक, सॉरी, ये गिट लॉक करने के बाद यहाँ से फिर से आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ, गिट शो इंसर्ट, और ये एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे इतना ही बताएगा मुझे कि आपने कुछ मॉडिफाई किया है इंडेक्स पेज में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी कुछ हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था, मॉडिफाई किया था, हमने वो रन करके देखा क्या? नहीं देखा है ना, तो रन भी करके दिखा देता हूँ आपको कि वो जो मैंने कोड में चेंजेस किए थे ये कुछ सही हुए थे, ठीक है। यहाँ से रन कर रहा हूँ मैं, रन विदाउट डिबगिंग, एक मिनट, रन, यहीं से रिफ्रेश कर देता हूँ, सॉरी, ये जो कोड था इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे पेज पे आ गया, यहाँ पे अबाउट करके ऑप्शन आ चुका है मेरे पास, ठीक है, यानी कि मेरे चेंजेस हो चुके हैं सब कुछ। इस तरह से कुछ वर्क करते हैं। अब ये कमिट हो गया, लोकल रिपोजिटरी में ऐड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो भी कुछ कमिट किया हुआ डेटा मुझे सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजना है। सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिटहब पे अकाउंट होना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल रिपोजिटरी मेरी होनी ज़रूरी है। तो github.com पे जाता हूँ मैं और यहाँ से साइन इन करता हूँ। यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी का यूज़र नेम है ये वर्चुअल इंफ्रा, और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे लॉग इन हो रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉग इन किया यहाँ पे, मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे माय प्रोजेक्ट नाम की एक रिपोजिटरी बना देता हूँ मैं, माय प्रोजेक्ट, ठीक है।
ये रिपोजिटरी बनने के बाद ये रिपोजिटरी पब्लिक सेलेक्ट करता हूं और क्रिएट रिपोजिटरी करता हूं। ये क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद यहां पे मुझे एक लिंक बन के आएगी इस तरह से, HTTPS वाली लिंक, ठीक है। ये लिंक मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया और यहां पे विजुअल कोड के अंदर आ जाता हूं, ठीक है। विजुअल कोड के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो रिपोजिटरी है ये ऐड करनी है। रिपोजिटरी ऐड करने के लिए या रिमोटली कनेक्ट करने के लिए रिपोजिटरी, मेरे पास कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उस रिपोजिटरी यहां पे पेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे ही मैं ये रिपोजिटरी पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा तो यहां पे मैं उस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। क्या मैं ये सच में कनेक्ट हो चुका हूं? तो इसके लिए मुझे देखना है, वेरीफाई करना है, तो गिट रिमोट माइनस वी करता हूं, तो यहां पे मुझे आ रहा है git.com इस रिपोजिटरी का नाम, यानी कि मैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, पुश करना है ये जो भी कुछ कोड है, तो पुश करने के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये जो ओरिजिन है ये क्या है, रिमोट का नाम है, ये रिमोट जो भी कुछ हम रिमोट ले रहे हैं इस रिमोट का नाम है ओरिजिन, और ये मास्टर ब्रांच है और हम पुश कर रहे हैं गिट का कोड, तो इस तरह से कुछ इसका मतलब है, ठीक है। हम ये ओरिजिन जो भी कुछ है ये हम चेंज करेंगे रिमोट, जो भी गिट के रिमोट है उस टॉपिक में। तो अब मैं इतना ही देखता हूँ, यहाँ पे एंटर किया मैंने, यहाँ पे पुश हो रहा है कोड मेरा, ठीक है। यहाँ पे अभी वेरीफाई करने के लिए ये पूछ रहा है कि आप सच में पुश करना चाहते हो तो आप यूजर नेम और पासवर्ड बता दीजिए कि जहाँ पे आप पुश करना चाहते हो। वर्चुअल इंफ्रा ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और मैं लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद ये मेरी कुछ प्रोसेस होगी, यहाँ पे मेरा अपलोड हो रहा है कोड, यानी कि पुश हो रहा है, ठीक है, ये 100% पुश हो चुका है। अब जरा देख लेते हैं कि ये सच में पुश हो चुका है। यहाँ पे मैं आ गया इस लोकल रिपोजिटरी के अंदर, सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोड आ गया, दिस इज मॉडिफाइड कोड। तो कुछ इस तरह से वर्क होता है, विजुअल कोड, गिट और ये गिटहब। विजुअल कोड से हम किस तरह से डेटा पुश करेंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो बस मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो के अंदर कि विजुअल कोड के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह से डाउनलोड करते हैं, यानी कि क्लोन करते हैं, वो पहले वीडियो में देखा था हमने। उस विजुअल कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने वो प्रोजेक्ट एडिट किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, कमिट किया, स्टेजिंग एरिया में किस तरह से जाते हैं, हम ऐड किस तरह से करेंगे स्टेजिंग एरिया में फाइल, कमिट करके हम उसको पुल किस तरह से करेंगे, पुश किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ हमने देखा है। ये सेंट्रल रिपोजिटरी में मेरे पास डेटा आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।